जी अब देखें, अब हम लाए हैं मोलर कंडक्टिविटी। अभी हमने जो पढ़ा था टॉपिक बेटा, इसके वीडियो के पहले जो वीडियो डाला था उसमें पढ़ा था हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोलर कंडक्टिविटी। जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है और जो मोलर कंडक्टिविटी है, उन दोनों में कहीं ना कहीं एक रूपता है, यानी दोनों लगभग लगभग सेम है। याद रखना क्या सेम है, देखें वो मोलर कंडक्टिविटी क्या है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 ग्राम मोल। अभी हमने जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ा था उसमें था कि विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन इट। अरे भाई याद करो, हमने क्या बताया था आपको कि एक कंटेनर है, उसमें जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में यदि 1 ग्राम इक्विवेलेंट हम इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर दें, क्या इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर दें, ठीक है, तो जो उसकी कंडक्टिविटी होगी वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगी। और यदि इसी सॉल्यूशन में इक्विवेलेंट की जगह पे 1 ग्राम मोल डिसॉल्व कर दें हम इलेक्ट्रोलाइट का, 1 ग्राम मोल, तो ये हो जाएगी आपकी मोलर कंडक्टिविटी। अरे भाई कुछ नहीं है, द सॉल्यूशन विच हैव 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट इट्स कंडक्टिविटी आल्सो कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। द सॉल्यूशन हैव 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट, और यदि इसी की जगह पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी। ओके, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन इट। इट इज रिप्रेजेंटेड ऑल्सो μO4। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे लेमडा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू म्यू पढ़ा ना भैया, लेमडा बराबर क्या था, कप्पा इंटू वी। तो ये भी क्या है, ये कोई अलग से नहीं है, ये भी होता है कप्पा इंटू वी, सेम है। वी की पोजीशन, वी की क्वांटिटी यानी वी की वैल्यू गिवन नहीं होती है, तो V इक्वल क्या करते हैं याद करो, 1000 अपॉन C या फिर 1000 अपॉन N। तो V की वैल्यू यहां पुट कर दो तो ये आपका हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन N या फिर 1000 अपॉन C। इट इज द मोलर कंडक्टिविटी, इट इज द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। Which solution have contain 1 gram equivalent electrolyte? Its conductivity also called equivalent conductivity. Or which solution have 1 gram mole electrolyte dissolved in it? Its conductivity also called molar conductivity. Formula दोनों के same है, बस जो unit है उसमें इसके last में equivalent आएगा और इसके last में mole आएगा, equivalent inverse और mole inverse। बोले सर क्या दिक्कत, ओके, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है बेटा उसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, और जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लीजिए सर दोनों सेम है, यहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो इक्विवेलेंट आएगा, मोलर कंडक्टिविटी है तो मोल आएगा, और कोई चेंज नहीं है। ओके, दोनों सेम है। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो न्यूमेरिकल्स को कराएंगे हम, देखें अब न्यूमेरिकल्स।